हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, एक आज जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आओ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आप देखेंगे जो ये आपकी एलईडी टॉर्च है, तो इसकी मैं कंप्लीट डिजाइन करने वाला हूँ। तो बेसिकली इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इस वीडियो में मैं आपकी कंप्लीट पार्ट दिखाऊंगा। जैसे आपका ये अलग पार्ट है, 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 तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो अलग अलग सा कॉम्पोनेंट है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे ये वाला कॉम्पोनेंट इसके साथ कैसे फिट होता है, क्या टॉलरेंस रहता है, इसके साथ क्या होना चाहिए, ये कैसे अंदर इसके साथ फिट होंगे। हम ऐसे तो नहीं कुछ फिर भी कुछ वगैरह से इसको चिपकाएंगे, तो इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म होगा, इसकी कुछ स्नैप लॉक वगैरह होगा, कैसे चिपकाएंगे। जैसे ये वाला पार्ट है, तो कोई भी एरिया, कोई भी प्लास्टिक पार्ट्स होती है, तो किसी पार्ट के साथ जो स्लाइडिंग होती है, तो उसकी क्या टॉलरेंस रखना चाहिए, इसकी मैकेनिज्म कैसा होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये भी स्लाइडिंग पार्ट है जो इसके अंदर अप एंड डाउन होंगे, है ना, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कैसे ये काम होता है। दूसरी चीज, इसके अंदर लाइट है, उसके अंदर कैसे रहेगा, इसकी बैटरी कनेक्शन कैसे रहेंगे, उसको हम बोल्टिंग कैसे करेंगे, ये वाला पार्ट, राइट पार्ट और जो लेफ्ट पार्ट है, जो मतलब मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है, इसके साथ कैसे ये लॉक होगा, क्या मैकेनिज्म लगाएंगे, बॉसेस वगैरह जो यहाँ पे हमने होल कराया है, ये होल इसके साथ बॉसेस होंगे, इसके ऊपर कैसे फिटिंग होंगे। तो इस वीडियो में सारा चीजें मैं बनाऊंगा एक एक करके पार्ट को। तो सबसे पहले मैं आपको ए ग्रेड सर्विसिंग बताऊंगा जो हम कैसे बनाएंगे। दूसरी बात जो है, इस वीडियो में कैसे पहले हम उसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद जैसे हम प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, तो हम प्रोडक्ट डिजाइन में क्या क्या चीज़ें देख के बनाते हैं, क्या क्या टॉलरेंस लेना पड़ता है, तो सारा चीज़ें इसमें बताऊंगा मैं। दूसरी चीज़, तो इसकी जैसे हम इसकी पूरी, जैसे ये ऑलरेडी हो चुका है, तो ये पूरी कॉम्पोनेंट होने के बाद हम इसकी मोल्ड डिजाइन करेंगे। जैसे मैंने ये वाला पार्ट और मेरा ये वाला पार्ट, दोनों अलग अलग है, देखने में सेम है बट अलग अलग है, इसकी हम करेंगे मोल्ड डिजाइन, ठीक है। तो इसकी हम मोल्ड डिजाइन करेंगे, उसके बाद ये वाला मोल्ड डिजाइन करेंगे, इसमें थ्रेड्स है ना, तो ये वाला पार्ट हम जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर हम जो है ये वाला पार्ट, आपका ये पार्ट, ये पार्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट, इसको हम बनाएंगे फैमिली मोल्ड। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू, दोज हु वांट टू टेक ऑनलाइन क्लासेस दे कैन ज्वाइन विद मी। सो मेनी कोर्सेज आई प्रोवाइड, लाइक मोल्ड डिजाइनिंग, टूल डिजाइनिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, सीएनसी प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, सो मेनी कोर्स आई हैव। Do you want to join my classes? They can directly ping me on WhatsApp or the contact number I have provided. They can directly contact with me. तो इस वीडियो में जो लास्ट होंगे, लास्ट में मैं जो है इसकी जो है कंप्लीट मोल्ड डिजाइन डाल दूंगा, जो ऑलरेडी हमने मैन्युफैक्चर किया है उसके साथ मैं फोटो डाल दूंगा, और जो प्रोडक्ट की 30 शॉट निकला है, मतलब जो पहला शॉट निकला है, तो उसकी भी मैं डाल दूंगा, क्योंकि जो भी मैं मोल्ड डिजाइन बनाता हूँ उसकी आपको 30 पार्ट में हमेशा दिखाता हूँ, और जो भी मोल्ड डिजाइन में बनाता हूँ, जिसके लिए भी मैं मोल्ड डिजाइन बनाता हूँ, मैं 30 में ओके सैंपल दूंगा, ये मेरे तरफ से गारंटी रहता है। तो आप देख पा रहे हो इसकी जो है, मैं जब इसकी वीडियो के लास्ट में मैं कंप्लीट डाल लूंगा, और जो भी कैलकुलेशन थ्योरीज वगैरह होंगे, जैसे एक रिप के साथ दूसरा रिप की कितना डिस्टेंस होना चाहिए, है ना, इसको हम स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो हर एक चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम प्लान लेंगे। प्लान लेना इसलिए जरूरी है, कभी हम आप जैसे प्लान लेते हो ना, तो इसमें फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है, जब भी आप प्लान लेके काम करते हो ना, कभी मोडिफिकेशन करना होता है ना, तो आपके लिए बहुत सारा इजी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं एक प्लान ले रहा हूँ 30 के, ठीक है, 30 क्यों ले रहा हूँ आई विल टेल यू। तो सबसे पहले जो है मेरा जो स्केच होंगे, मैं यहाँ से बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जो आपका आर्टिकल लाई करेंगे हॉरिजॉन्टली लाई करना चाहिए, है ना, जो भी आपका पीस होंगे, तो मैं हॉरिजॉन्टली प्लान ले रहा हूँ इसीलिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्केच लूंगा, सबसे पहले जो है मैं एक इसकी जो उल्टा है ना थासा का एक तैयार करूंगा, जो इसकी एक वो होंगे, सबसे पहले इसका डायमीटर दूंगा, 110 का डायमीटर होता है, ठीक है। ऑलरेडी जो जो आपको जैसे बनाना है ना, आप मेरे साथ बना सकते हो, वीडियो को पॉज कर लेना, जो भी समझ नहीं आए कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, ठीक है। तो इसको मैं देखो, इसको ना मैं 30 mm का अराउंड इसको मैं दे दूंगा, इसके आगे की तरफ डायरेक्शन, ठीक है, 30 mm जो है इसके आगे की तरफ डायरेक्शन होगा। ये कौन सी वाली पार्ट होगा, ये होगा आपका ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट बना रहा हूँ मैं, अब इसको बनाऊंगा, तो आप कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा ना कलर करवा देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे को जो बनानी है, एक प्लेन लेना है, इस प्लेन से दूसरी प्लेन का जो डिस्टेंस होंगे अराउंड होंगे इसके 50 mm का आसपास, ठीक है। 50 mm कौन सा होगा मैं आपको साथ में दिखा दे रहा हूँ, और 50 mm से जो भी मैं प्लान लूंगा वो होंगे 90 mm, और 90 mm से जो भी मैं प्लान लूंगा उसका जो होगा 25 mm का, क्लियर है। तो ये जो है इतना मेरा यहाँ पे टॉस बनना चाहिए, मतलब ये जो एरिया है, इसकी जो आप लेंथ देखोगे ना, इसकी जो लेंथ होगा ना, ये अराउंड लेंथ जो होंगे इसकी 30 mm,
और इस एज से जो यहाँ पे जो रेडियस मीट कर रहा है ना, उसका जो होंगे आपकी 50 mm, और यहाँ से यहाँ तक आपकी होंगे 90 mm, और यहाँ से ये जो होगा 25 mm का होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको लेके चलना है कभी, जैसे देखो अगर आप प्लान लेके बनाओगे ना, तो कभी भी कुछ चीजें कम ज्यादा लगे ना, तो प्लान को आगे पीछे कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट बनाओगे तो चीजें नहीं हो पाएगा। तो हमेशा कोशिश करना है कि आपको प्लान लेके बनाना है, ठीक है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, यहां से मैं एक्स कैश लूंगा, तो ये वाला पार्ट जो है ना मेटिंग पार्ट होना चाहिए, तो इसको जो है हम अराउंड 3 or 5 mm आई विल टेक, ठीक है? तो यहां से मैं लेके यहां से इसको मैं जो है 3 mm कर दूंगा, सफिशियंट है, या 5 mm भी कर सकते हो आप, ठीक है? तो ये वाला एरिया जो ले लिया मैंने, अब देखो मेरा थोड़ा अलग तरीके से बना रहा हूँ, आपको कोशिश ये करना है कि किस तरीके से बना रहा हूँ और इसमें क्या फायदा होगा। तो यहाँ से मैं अराउंड ड्रॉप दूंगा, ठीक है? तो सेक्शन ड्रॉप दूंगा मैं यहाँ पे 5 mm के अराउंड, टेपर्ड होना चाहिए यहाँ से, टेपर्ड, ठीक है? तो ये क्या होना चाहिए, कभी टॉस पकड़ते हो ना तो यहाँ पे जो है ये एरिया आपको रुकेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे 5 mm का जो है मैंने एक रेंडमली एक वाला एरिया ले रहा हूँ, ठीक है? अब ये जो प्लान है फिलहाल मेरे को जरूरत नहीं है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब दूसरी प्लान में मेरे को स्केच लेना है। अब स्केच लेके मेरे को क्या बनानी है, इसकी जो है इसकी जो सर्किल है जो टॉस की आपकी ये वाला पार्ट है ना, इसकी मेरे को डायमीटर बनानी है, ये ठीक है? तो मुझे ये वाला बनाना है अभी। तो कुछ कुछ चीजें मैं खुद भी माप लूंगा, जैसे आप लोग को बताने में भी ईजी हो जाएंगे। यहाँ पे जो मेरा स्केच बनेंगी अराउंड बनेगा 70 डायमीटर का, 70 डायमीटर, ठीक है? तो ये मेरा बनेगा 70 डायमीटर। तो यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा एग्जिट, ठीक है? अब देखो मैंने 70 डायमीटर तो बनाया, कभी मुझे कम ज्यादा भी करना पड़ सकता है ना, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, उस केस में भी आपके पास ऑप्शन होगा, मैं बताऊंगा, ठीक है? जैसे ये वाला एरिया है इसको मैं डिलीट कर दूंगा, और जो ये एरिया है ये वाला एरिया जो है इधर से लग गया, और जो एक से आपका काम बन जाएगा वैसे बेसिकली, है ना? तो आप देख पाओगे यहाँ से आपका काम बन जाएगा। अब बात रही मेरा यहाँ पे बन गया, बट यहाँ पे मेरा जो टॉर्च है ना वो टेंजेंशियल है, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा ये है इसके साथ जो है मैं इसको G1 कर दूंगा, क्लियर है? इसको ऑफ करना है तो इसको ऑफ कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आप देखोगे ये मेरा G1 जो है टेंजेंशियल है, यहाँ इसके साथ टेंजेंसी है, ठीक है? आपको ये टेंजेंसी मेंटेन करना है, और ये जो चीज होगा ना ये यूनिट होगा, ठीक है? तो इसको हम कर दिया यूनिट। देखोगे यहाँ पे सॉलिड बॉडी ले रहा हूं मैं आपको स्केच दिखा दूंगा कि गलती का आपको भी समझने में इजी हो जाएगा। तो ये मैंने इसको यूनिट कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे देखूंगा बस ये वाला एरिया दिखा देगा मेरे को, ये वाला ऑलरेडी है डिजाइन में भी है, आप देखोगे ना ये वाला एरिया है डिजाइन में, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको 70 का कर दिया हूँ, ठीक है? अब देखोगे आप 70 है बेसिकली, यहाँ पे 73 होगा, लेकिन यहाँ पे रेडियस भी आएंगे ना, तो जैसे रेडियस आ जाएंगे ये वाला एरिया कवर हो जाएगा आपका, क्लियर है? ठीक है, अब हम बनाएंगे इसकी अगली वाली पार्ट। अगली वाली पार्ट बोले तो जो 90 mm बड़े था ना, जो इसको हम प्लान को ऑन कर लेंगे ये वाला, ठीक है? तो हम 90 वाला है को हम ऐड कर लेंगे। अब दोनों के बीच में एक स्केच बनानी है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्केच लूंगा, ठीक है? देखो मैंने पहले बताया था, पहले मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसके बाद इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। देखो प्रोडक्ट डिजाइन होता कैसा है, इसमें इस वीडियो में आप समझ जाओगे कैसे कुछ कुछ चीजें आपको डिसाइड करना पड़ेगा, कैसे कुछ कुछ चीजें अलग अलग पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा, वो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? ये जो होगा अराउंड 70 mm कर लूंगा, कितना 70, देख पा रहे हो यहाँ पे इसके साथ इक्वल है, क्लियर है? और ये जो एरिया होगा ना, ये वाले जो एरिया होगा 70 होगा, और ये वाला एरिया जो होगा ना इसका एरिया थोड़ा ज्यादा होंगे, इसको मैं कितना लूंगा 75 क्यों ले रहा हूँ मैं 75 इसलिए ले रहा हूँ मैं 75/2, ठीक है? और क्योंकि इसके साथ से ना, जो इसके साथ है तो इसके साथ में एक आपकी वो आएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 5 mm जो है ऑफसेट कर दिया हो, ठीक है? तो यहाँ पे 5 mm की जगह में मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन कर दूंगा, क्लियर है? तो यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन कर दिया, अब समझ जाओगे आप मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसको मैं रिवर्स डायरेक्शन कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे हम जो है एक रेंडमली एक स्केच लेंगे,
देखो यहाँ पे आपको चीजें इंटरसेक्शन पॉइंट कौन कर लेना है, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ऑन कर लेना है और इसके साथ आपको टेंजेंट कर देना है, ठीक है। आप मिरर का भी यूज कर सकते हो क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट मिरर ही है ऑलरेडी। जैसे आपका काम हो जाएंगे इसको हम क्विक ट्रिम कर देंगे, ठीक है, और बहुत सारा ऑप्शन है करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे इसको हम कर देंगे खत्म। तो आपको समझ में आ गया जो मैंने इसको बनाया, इसलिए बनाया इसको कि यहाँ पे एक मैं एक कार्व दे सकूँ, इसके लिए मैंने इसको बनाया है, ठीक है। और यहाँ से अभी मैं रेडियस का यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे बार बार स्केच में आके एडिट करने में दिक्कत होगा। तो जो भी रेडियस डालूंगा मैं 3D में डालूंगा। तो इसको कितना एक्सट्रूड करना है, इसको करना है 90 mm का एक्सट्रूड करना है। डन, 90 mm में मेरे को एक्सट्रूड करना है। अब बात यह है दोनों को करना है यूनिट, है ना। अब इसके साथ रेडियस लगानी है आपको। रेडियस लगाऊंगा मैं पास का नहीं, बीच का रेडियस लगाऊंगा अराउंड। आपके पास अगर रेडियस गस होता है ना जब भी डिजाइन करते हो तो आप बहुत बेहतरीन है क्योंकि आप उसमें ज्यादा बेहतर समझ पाओगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 20 का जो है रेडियस लगा दिया। अब रेडियस तो मैंने लगा दिया लेकिन यहाँ पे जो है इसको मुझे ऑफसेट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि तो यहाँ पे मेरे को क्या लगाना है, ब्लेंड लगाना है, ठीक है। तो इसको मैं 5 mm जो है आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो जैसे मैं 5 mm इसको ऑफसेट करूंगा तो ये इसके साथ मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। तो देखो जो पहला कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट जो है आपकी प्रोडक्ट प्रोडक्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो निकालना है आपको। उसके जैसे स्ट्रक्चर निकाल लोगे ना, अब इसको आपको देखना है मैं मोल्डिंग डायरेक्शन के हिसाब से मैं इसको कैसे बनाऊंगा। जो मेरा मोल्डिंग डायरेक्शन है उसके हिसाब से मैं इसको कैसे बनाऊंगा आपको वो देखना है, दूसरी चीजें। उसके बाद जो है आप देखोगे मोल्डिंग डायरेक्शन से आपसे एक पार्ट नहीं बन पा रहा है तो उस केस में आपको 2 पार्ट बनाना पड़ सकता है, 3 पार्ट बनाना पड़ सकता है, ठीक है। तो वो आपको ये देखना है कि मैं इसको कितने पार्ट में बनाऊं, तो ये भी आपके ऊपर है। अब देखो, अब मैंने 10 mm में मेरे साथ इसमें पूरा फिलअप हो रहा है। अब कहानी में समझाऊंगा प्लेन लेने की मतलब फायदे क्या है, है ना। 10 mm मैंने इसको कर दिया है तो यहाँ पे देखोगे यह जो है टॉस बहुत आगे आ गया। अब यहाँ पे मैं रेडियस भी तो दूंगा, है ना, लगभग 20 का तो रेडियस दूंगा मैं क्योंकि मेरे को टेंजेंशियल चाहिए। अब देखोगे टॉस जो है बहुत आगे आ गया, आ गया ना। तो यहाँ पे मैं जो ये हमारा प्लान है ना, जैसे मैंने इस प्लान को मैंने यहाँ पे इसको मैं नो फिल्टर कर देता हूँ, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे प्लान लिया था इसको मैंने 50 का लिया था, अब मैं इसको पोस्टपन कर दूंगा। अब देखोगे ना मेरा थोड़ा सा ज्यादा टेंजेंसी है ना, ज्यादा बेटर हो गया है। देखो अब ज्यादा बेटर हो गया है। तो क्या समझ में आया आपको? तो समझ में ये आया, ये जो चीज मैंने बनाया है तो इसके लिए प्लान में लेके बनाने का बहुत जरूरत है। जब आप प्लान में लेके कुछ चीजें बनाओगे ना तो आपके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा। और ये जो आप ड्राफ्ट देख पा रहे हो ना, ये ड्राफ्ट बहुत ही कम है तो इसको मैं थोड़ा सा ना ड्राफ्ट बढ़ाऊंगा। जो मेरा X2 है इसको जो है मैं 5 mm की जगह 8 mm ड्राफ्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्योंकि ये देखना सही है, जब तक ये नहीं दिखेंगे ना, क्योंकि इसमें कभी कभी ऊपर से जब टॉस पकड़ते हो ना तो हाथ में ये फंसना चाहिए। अगर ये ड्राफ्ट कम होगा तो ये फंसेगा नहीं। तो ये वाला चीजें आपको ध्यान में रख के बनाना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप प्रोडक्ट डिजाइन बना लोगे, इसके प्रैक्टिकल कुछ रीजन होना चाहिए, प्रैक्टिकल कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, तब उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने ऑफसेट बनाया तो यहाँ तक ठीक है ना। देखो अभी कैसे कुछ एडिटिंग करते हो ना, कुछ गलती होता है ना, तो कैसे ठीक करना चाहिए, देखो अभी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आया मैंने, ठीक है, ऑफसेट रीजन लिया मैंने, ऑफसेट रीजन यहाँ पे हुआ नहीं है, ठीक है। अब क्यों नहीं हुआ, मैं यहाँ तक आया राइट क्लिक करके, क्या एडिट कंपोनेंट करके आया मैंने यहाँ पे, मैंने राइट क्लिक करके, अब मैं देखूंगा इसमें मेरा क्या प्रॉब्लम आ रहा है। थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पंगा जो है मेरे को समझ में आ गया, तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं करंट पिक्चर में आऊंगा, मैं करंट पिक्चर में आ जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को पता लग जाएगा जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है, जो भी मेरा आर्टिकल है उसमें कुछ इश्यू है जो इसकी वजह से ये आगे नहीं आ रहा है। अब ज्योमेट्री नीडेड टू अकोमोडेट द सेंस द कैन नॉट बी एडेड, ठीक है, फाइन। अब देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखो ये छोटी छोटी चीजें जैसे आपको मैं समझाऊंगा ना तो इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगे बनाने में,
यहाँ पे जो थिकनेस आ रही है ना, जीरो थिकनेस आ रहा है, आप एक काम कर सकते हो उसके लिए। तो ये वाला है ना, यहाँ पे इसको यहाँ ले सकते हो, ये ले जाओगे, देखो आपका काम हो गया। समझ गए ना मेरी बात को? तो इसके बाद जो है हम ये मेक करंट फीचर इसको कर देंगे, ठीक है? तो इसके बाद जो है आपका काम इजीली हो जाएगा। अब ये जो है, नया फीचर है, इसको हम जो है, जो ये पहले वाले ले रहा था, तो हम क्या करेंगे इसको इसको हटा के ना, अब नया वाले ले लेंगे हम। देखो यहाँ पे ये सिलेक्ट नहीं करा मैंने, ठीक है? तो इसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको टेंजेंट लेना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको सिलेक्ट करना है सारा एरिया को, फाइन। आ गया आपके पास, देखो अब बहुत बेहतरीन है, ठीक है? तो ये वाला एरिया जो है आपको बन गया। अब नीचे वाला एरिया बनाना है आपको, ठीक है? ठीक है, तो अभी आपने वो क्या बनानी है, जो वाला मेरा राउंड ऑब्जेक्ट है, राउंड वाला पार्ट कौन है, स्ट्रेट पार्ट है, राइट पार्ट है ना, तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट होगा मतलब। तो यहाँ पे मैं एक स्केच लूंगा, देखो स्केच में इसके ऊपर ले सकता था, लेकिन मैंने प्लान के ऊपर स्केच लिया। क्यों? कभी भी मैंने को प्लान आगे पीछे करने, अगर मैं आगे पीछे प्लान करूँ ना, कभी मतलब कम ज्यादा करना पड़े, तो मेरा उसके साथ स्केच भी चेंज हो। अगर मैं प्लान को, प्लान में स्केच नहीं लेके इसके ऊपर स्केच लूंगा ना, तो वो चीजें होगा नहीं, तो इसलिए मैं प्लान के ऊपर ले रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीजें है ना, आपको बहुत अच्छा डिजाइन में आपका जो एसोसिएविटी है, जो आपके एसोसिएट है ना, वो उसके ऊपर काम करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे इसके मैं एक सर्कल लूंगा, जो सर्कल होगा ये वाला ऊपर एरिया बड़ा होगा, है ना? तो यहाँ पे फिल्टर को चेंज करना है, अगर आपके पास फिल्टर ले रहे हो। इसको मैं कर दूंगा 85 का, और ये वाला जो एरिया है इसको मैं कर दूंगा 85 कर देता हूँ इसको मैं। और ये वाला, इसकी क्योंकि ये अरे बढ़िया होंगे, इसके ऊपर ना जो ये वाला एरिया होगा ना, इसके ऊपर आपकी वायर रहेंगे, जो आपकी बैटरी कनेक्शन देंगे ना चार्ज करेंगे, तो ये एरिया बड़ा होना चाहिए। तो इसको मैं 90 कर दूंगा, क्लियर है? कोई कॉन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये वाला एरिया बैटरी होगा, इसमें बैटरी कनेक्शन आएंगे जो आप चार्जिंग करेंगे, तो ये ध्यान रख के बनानी है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं 90 कर दूंगा, और ये वाला एरिया को 90 की जगह मैं इसको 8 कर देता हूँ, ठीक है? और ये वाला एरिया प्लेन होंगे, ठीक है? एक तरफ से प्लेन होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन होना चाहिए, कि आप कोशिश करोगे कि सामने एक बार में सिलेक्ट कर लिया और आपका सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है? और ये वाला जो है ऑफसेट होगा, ऑफसेट लेके ये इसको जो है, मिरर का भी यूज कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी मिरर ना रिलेशन जो है ब्रेक होने में ना, कुछ कुछ चीजें जो है कॉन्स्टेंट ब्रेक हो जाता है, तो इसलिए मिरर का यूज मैं ज्यादा नहीं करता हूँ। और प्रोडक्ट डिजाइन में मिरर वगैरह आप यूज कर सकते हो, लेकिन टूल डिजाइन में मिरर वगैरह थोड़ा देख के यूज करना है। कभी कभी मिरर की जगह में पैटर्न हो जाता है, तो आपको पता नहीं चलेंगे, लेकिन आपकी जो कंपोनेंट है वो बन जाएगा खराब, ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपको ध्यान रखना होता है। इसका जो होगा 25 mm का होगा आपका, ठीक है? ठीक है, 25 mm की होंगे, तो इसको हम कर देते हैं, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला नहीं आपका, ये वाला इसको हम कर देंगे 22 mm का। और यहाँ पे हम कुछ रेडियस ऐड करेंगे, तो इसकी रेडियस से इसकी रेडियस में कुछ फर्क होंगे, क्योंकि तो सेम रेडियस आपको यूज नहीं करना है, ठीक है? इसको हम जो है 15 का रेडियस लगा के देखते हैं, ठीक है? परफेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे आपको इसको रेडियस लगानी है, तो टॉर्च का आपका जो एक आउटर लुक है वो बेसिकली तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही था। तो जो नेक्स्ट वीडियो होंगे, उस वीडियो में हम जो ये फीचर्स है कैसे बनाएंगे उसके बारे में बात करेंगे, ये जो फीचर्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सब सारे फीचर्स बनाएंगे अकॉर्डिंग टू मोल्डिंग के हिसाब से बनाएंगे हम,
और जो नेक्स्ट उसकी वीडियो आएंगे तो इसमें हम ये जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ ये कैसे लॉक होगा, इसकी हम थ्रेड कैसे बनाएंगे, जो थ्रेड बनाएंगे हम किस तरीके से इसे इजेक्ट करेंगे, या हम कोलैप्सिबल कोड चलाएंगे या ग्यारमोल चलाएंगे या स्टीपर चलाएंगे, किस हिसाब से हम बनाएंगे, जब भी आप प्रोडक्ट जन करते हो यह सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और जो आपके अगले वाले वीडियो होंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हर एक फीचर के बारे में हम बात करेंगे और ये सब चीज़ें कैसे बनानी है, कैसे इसको इंटरफेस करना है, तो हर एक चीज़ें हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिस मत करना क्योंकि जो सेकंड वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और थर्ड वीडियो उससे भी अच्छा इंटरेस्टिंग होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।